धर्म संस्कृति र संस्कारको सम्वाहक नेपालको पहिलो आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं। साथै लाइक र कमेन्टको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौं। ब्रजका रसिक महापुरुषहरूले आफ्नो वाणीमा श्री राधा कृष्ण लीलाको विस्तृत वर्णन गर्नुभएको छ। जुन प्रेम रस पिपासु श्री कृष्ण अनुरागी साधकहरूको निधि हो, तर वर्तमान युगका परमाचार्य जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा प्रकटित रसमय साहित्यको विलक्षणता अद्भुत छ। इनमा वर्णन भएका रस वैलक्षण्य एवं नाम रूप गुण र लीला माधुर्यको निरूपण अनुपमेय छ तथा साहित्यालङ्कारको उत्कृष्टता, भाषाको सरलता, प्रेम तत्त्वको सरसता तथा साधना भक्तिको वर्णनको विशिष्टता अद्वितीय छ। श्री महाराजजीले जीव कल्याणका लागि हजारौँ पद, 600 भन्दा बढी नाम सङ्कीर्तन, 11,111 राधा गोविन्द गीतका दुहाहरू तथा युगल रस आदि ग्रन्थहरू सहजै प्रकट गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी पनि उहाँको अलौकिक रसमय वाणीको मधुरिमाको पान गरौँ। नवाहारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति नवाहारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवाहारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः ये मैं रूपी आत्मा सबसे प्रिय है, इसी के लिए और सब प्रिय है मैं के लिए। किसी और से कोई प्यार नहीं कर सकता, सब अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से, आत्मा से। इससे आत्मा को सुख मिल जाए इसलिए इससे प्यार करते हैं। पैसा सबसे अधिक प्यार किससे होता है हम लोगों का? पैसे से। क्यों? कि सब सामान आता है पैसे से। पैसा होगा बीबी भी खुश रहेगी, डैडी भी खुश रहेंगे, मम्मी भी, बेटा बेटी भी, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब खुश रहेंगे। और अगर गरीब हो गया कोई तो कोई बात नहीं करता, पेड़ में फल आए बिना बुलाए, पक्षी आए चहचहाए, फल खाए फल झड़ गए बिना कहे पक्षी उड़ गए। ये कच्चा चिट्ठा है हम लोगों के संसार का, मां बाप बेटा स्त्री पति सब का। ये बात अगर आप लोग जान ले प्लस मान ले तो समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई। जान लेते हैं, मान लिया, लेकिन मानते नहीं। भगवान का एक फार्मूला है, तम भ्रंशयाम संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। दशम स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक,
मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं, छीन लेता हूं। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या दपुनर्भव दर्शनम भागवत। एक 8:25 जन्म ईश्वर जसुत श्री भीरे धमान मद पुमान नैवार्हत्य विदातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। 1:26 लेकिन हम लोग मानते नहीं है भगवान का ये कानून, हम तो ये मानते हैं वो बड़ा गरीब था मंदिर में जाने लगा और भगवान की कृपा से और अब पति हो गया। ये कृपा, ऐसे ही हम लोग भगवान को भूले हुए हैं और संसार खूब सारा मिल जाए तो नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाही मद नाही। फिर तो असिस्टेंट भगवान हो जाता है वो, अरबपति खरबपति खोपड़ापति। तो भगवान करुणामय है, वो कह रहा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतना बड़ा भगवान, वो कहता है जो मुझसे प्यार करता है, मेरा भक्त है, वो मुझे इतना प्यारा है कि आत्मा भी प्यारी नहीं है। बोलो, अगर वो अहंकार करता तुच्छ जीव से मैं प्यार करूंगा, तेरी गरज है कर, तेरे पास है क्या, तन गंदा मन गंदा है, अनंत जन्मों का पाप भरा हुआ। एक आदमी अगर उसकी थाली में कई व्यक्तियों के रख दिया जाए और कहा जाए खाओ, भाग खड़ा होगा। ऐसे ही हम लोग हैं भगवान के आगे, क्या चीज है हमारे पास जो भगवान हमको देखेगा, लेकिन वो अंदर बैठा रहता है 24 घंटे। इतना दयालु, इतनी करुणा है, ये मेरा बेटा है, खराब है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है। मां के पेट में मेरा शरीर बना दिया, क्या जादूगरी है। माँ बाप ने तो कामांध होके विषय भोग किया और भगवान ने शरीर बना दिया। हम मां के खाने से उसके रस से शरीर पल गया, वाह कमाल। पैदा होते ही मां के स्तन में दूध, फिर उसके बाद संसार बना रखा था पहले से, रोटी दाल चावल 1000 प्रकार के खाद्य पदार्थ खाओ, 1000 फल 1000 तरकारी, और फिर छोड़ो इन बातों को, हम दिन रात संसार में आसक्त होकर गंदे गंदे विचार करते हैं, उनको नोट करता है, बोर नहीं होता, धार में जाए, इतना आवारा बच्चा है, मैं नहीं नोट करता, मैं जा रहा हूं गोलो। ऐसा नहीं, मरने के बाद हम कुत्ते बने, साथ जाता है। और कुत्ते के शरीर में भी, सुअर के शरीर में भी, मच्छर के शरीर में भी, इतना दयालु। फिर आगे कहता है वही सुप्रीम पावर, फिर बोला निरपेक्षम मुनिम शांतिम निर्वैरम समदर्शनम, निरपेक्षम मुनिम शांतम
nirvairam samadarshanam anubrajamyam nityam puye ye tyangri renubhi. मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, पीछे पीछे. अरे आप तो स्वामी हैं, आगे आगे चलना चाहिए. नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, रक्षा करने के लिए चलते होंगे पीछे पीछे. नहीं नहीं, उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए. और सुनो, उद्धव से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और दुर्वासा से क्या कह रहे हैं ये भी सुन लो. अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो. दुर्वासा, मैं भक्त के अंडर में हूं, अंडर में दास. वैसे तो मेरी परिभाषा है, एक भगवान स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र हैं. ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर जमराज सब सर्वेंट हैं. कोई भगवान के अंडर में है और कोई माया के अंडर में है, सब आधीन पराधीन. एक भगवान स्वतंत्र है. नारद जी ने कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करई सोई सोई. दुर्वासा, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता. अरे महाराज क्षमा तो कर दो, मांग तो रहा हूं मैं क्षमा. बिल्कुल नहीं. हे भगवान, तो फिर मैं ऐसे जलता रहूंगा. नहीं नहीं, इसका उपाय बता सकता हूं. जाओ अम्बरीश के पास, उनके चरणों में गिरो, अगर वो क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, वरना ये चक्र चलता रहेगा तुम्हारे पीछे पीछे, जलाएगा नहीं, बस ऐसे ही पीछे लगा रहेगा. तुम जलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे. नौ चार तिरसठ. ना हम आत्मा नमाशा से मत भक्त साधु बिना श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा. नौ चार चौसठ. मैं अपने आप से कुछ आशा नहीं करता दुर्वासा, मैं तो भक्त से आशा करता हूं, उनके आगे झोली फैला कर खड़ा रहता हूं. अरे सुनो, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस्त्यक्तु मुत्सहे. नौ चार पैंसठ. जो सब परिवार इह लोक परलोक सब का त्याग करके मेरी शरण में आ गया, भला मैं उसको कैसे छोड़ दूं और तुमको अपना लूं दुर्वासा, इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो तपस्वी हो. साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्नते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि. नौ चार अड़सठ भागवत इत्यादि. अर्थात भगवान इतने करुणामय हैं, यह गुण ऐसा है जिसको सुनकर समझकर घोर से घोर मक्कार जीव भी ललचा जाएगा. ऐसे दयालु हैं,
तब तो अपना काम बन जाएगा। वे भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में वेद कहता है सब कुछ वे ही है, ईशावास्तमिदग्भम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवे दग्वम सर्वम जद्भूतम यच्च भाव्यम, श्वेता चतुरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् भागवत, दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक। श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ कृष्ण मे नमेहितो महात्मा नमखिलात्मनाम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तत्रापि भगवान् कृष्णः किमतद्वस्तु रूप्यताम्। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 57वां श्लोक। प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन होता है। जैसे पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, मिलते मिलते प्रकृति भगवान में मिल गई और भगवान वो कहां मिले, वो अंतिम है, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई आश्रय नहीं, उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई बाप नहीं, वो सब है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। पहले भी मैं था, वर्तमान में भी मैं ही हूं, जो देख रहे हो ये भी मैं हूं, जो बचेगा वो भी मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। सब ब्रह्म, सब भगवान, सब श्री कृष्ण। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, वेद कह रहा है पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम अभयं त्रिमूर्धनो धाय मूर्धसु, भागवत 2:6-18। अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं और बारीक बातें आगे आपको बताई जाएंगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनको कोई समझ नहीं सकता। वसुदेव जी ने कहा था जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में 4 भुजा से, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संजमान विभो बदन्त्यनीहा दगुणा दभिक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते पदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। हे श्री कृष्ण, तुमको शास्त्र वेद कहते हैं, इनके इच्छा नहीं है। आत्मा रामो प्यरी नमत,
पूर्ण काम है, इनमें कोई गुण नहीं है। सत्गुण रजोगुण तमोगुण निर्गुण है, ये कुछ करते वरते नहीं। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य करता है, फिर ये सृष्टि कौन करता है? इच्छा नहीं करते, सा इच्छा तो वेद कह रहा है, ऐतरेय उपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र, स इच्छां चक्रे प्रश्नोपनिषद छठवें प्रश्न का तीसरा मंत्र, सो कामयत उसने इच्छा की। आप कहते हैं इच्छा नहीं, अरे अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात परता परा, उसके मन नहीं है, इच्छा कहां से करेगा? हाँ, और वो सृष्टि करता है, प्रकट करता है सृष्टि को, और सृष्टि करना तो मामूली बात है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्य चाभवन निरुक्तम चा निरुक्तं चा निलयनम चा निलयनं चा विज्ञानम चा विज्ञानं चा सत्यं चा निरतं चा सत्यम अभवत। इसमें प्रविष्ट हो गया संसार बनाकर, और सबके भीतर भी बैठ गया, और सबके अनंत जन्मों की बही खाता को लेके बैठा, और उसको प्रतिक्षण शक्ति दे रहा है इंद्रिय मन बुद्धि में, और उसके कर्मों का हिसाब का फल भी दे रहा है, और वर्तमान कर्म को भी नोट कर रहा है। आप कहते हैं कुछ करता ही नहीं, हाँ वो भी सही है कुछ नहीं करता, और यह भी सही है बहुत कुछ करता है, वो भी सही है इच्छा नहीं है, और ये भी सही है ये इच्छा के सब कार्य कर रहा है। क्यों? ये दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, उसमें दो विरोधी धर्म है नेचुरल। अरे उसको छोड़ो, हम जड़ वस्तु में बता दें आपको, गुलाब का फूल देखा आप लोगों ने? हाँ जी, टोट में लगाए रहते हैं लोग, माला पहनाते हैं लोग, और उसमें कांटे भी होते हैं, देखा है? हाँ देखा है। अगर सावधानी से न फूल को निकालो तो कांटा चुभ जाए, उसी के बगल में रहता है छुपा हुआ कांटा। एक पेड़ में दो विरोधी शक्ति, हाँ? अरे आपके शरीर में देखो ना, लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है, सिर में बाल उगे काले काले, ललाट में नहीं है, गाल में नहीं है, स्त्रियों के नहीं है, ये नाखून जो बढ़ जाता है वो इसी में से तो बढ़ता है, हाँ? लेकिन काट दो तो दर्द नहीं होता, बाल कटवा लो नींद आ रही है बाल कट के, ये जड़ वस्तु पैदा हो रही है चेतन से, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। ये विरोधी बातें, ये सब भगवान में अनंत शक्तियां हैं जो विरोधी कार्य करती हैं, ये शक्तियों का कमाल है।
अस्तु, और विषय आगे बताया जाएगा। अब आइए, जीव क्या है? मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी प्यारी प्यारी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ, साथै लाइक र कमेन्टको अपेक्षा समेत हामीले गरेका छौँ। तपाईँको साथ हाम्रो आध्यात्मिक जागरणको अभियानमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट मार्फत सब्स्क्राइब, सेयर र लाइक गर्न अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको कमेन्ट हाम्रो मार्गदर्शक बन्नेछ। हाम्रो कार्यक्रम नियमित हेर्न भएकोमा धन्यवाद।